कांग्रेस का चुनावी टिकट वितरण अब अलाकमान के लिए नासूर बनता जा रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोगी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी को टिकट मिलने के बाद से ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें खातेगांव विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा है। इसी सिलसिले में वह आज क्षेत्र में पहुंचे थे। इस दौरान खातेगांव में कांग्रेसियों ने बीच सड़क पर काफिला रोक कर जोरदार विरोध और नारेबाजी की है। गंभीर नीर पूर पाप दूत भूतलम धन समस्त पात का तारिदा पदा चल जगल महाभय प्रखंड सोन हर मंदिर देखिए, चुनाव वादों पे ही लड़ा जाता है। लोग ये कहते हैं कि वादा करके नेता लोग अक्सर चले जाते हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने और मैंने राजनीति में कुछ अलग नज़रिए से काम करने का प्रयत्न किया। जो काम हो सकता है वो काम के बारे में ही बोलना जनता के बीच। दूसरा, जो काम सरकार द्वारा दिए जाते हैं उसको लाकर जनता के तक सौंपना। लेकिन आज भी हम देखें कि इस संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज जो राजनीतिक परिदृश्य है वो परिदृश्य उस चेहरे के खिलाफ है जो पूरे जमाने में मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय चेहरा था। आज भारतीय जनता पार्टी स्वयं ने इस चीज़ को स्वीकारा और उस चेहरे को नकार दिया। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी तक ने उस चेहरे का नाम तक नहीं लिया अपनी पार्टी में, चक्कर तक नहीं लिया, क्योंकि उपलब्धियों के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जिन बातों को लेकर कभी कभी अपनी टिप्पणियाँ करते थे वो सब बातें उनके इसमें समाई थे। ऐसे जो एक बार तो उन्होंने ये तक कहा कि मध्य प्रदेश 100 रुपये से कम डीजल बेचने वाला राज्य है, लेकिन मध्य प्रदेश में 110 रुपये सबसे ज़्यादा जायद देश में कीमत थी वो मध्य प्रदेश में थी। तो ऐसे दृष्टिकोण में भारतीय मध्य प्रदेश का चेहरा वो तो नकारा दिया गया, लेकिन सामने वाली पार्टी ने जिस प्रकार से अपने प्रत्याशी खड़े किए, खास करके उन लोगों को जो राष्ट्रीय राजनीति में थे, कहीं ना कहीं देश की राजनीति में अपने आप को अपनी पहचान बना रहे थे, उन चेहरों को आज उन्होंने विधानसभा में उतार दिया। और दो तीन जगह तो ये हुआ कि कैलाश जी पार्टी कहते कि हम युवा लोगों को लाते हैं, हम आगे नई टीम तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनके बेटे आकाश का टिकट कट गया और कैलाश जी को टिकट मिल गया। तो ऐसे दृष्टिकोण में दूसरी बार लगातार जब कांग्रेस कभी चुनाव लड़ती थी और कहते थे कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन, आपका मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन, और यहाँ तक भी कह दिया गया कि दूल्हा बनाए बैठा बारात तैयार कर ली, तो आज भाजपा की स्थिति लगभग कमोबेश वही हो गई कि इनका दूल्हा तो तय नहीं है लेकिन बारात तय हो गई। बारात तय होने के साथ साथ आज 5-7 ऐसे दूल्हे खड़े कर दिए कि जो दूल्हे के लायक तो हैं लेकिन दूल्हा बन के शायद वहाँ तक पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, वो एक कठिन स्थिति हो गई। दूसरा, नरेंद्र सिंह जी कैलाश जी खुद स्वीकार कर चुके कि हम चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे। कैलाश जी ने तो कहा कि मैं 5 हवाइया हेलीकॉप्टर में और 3 कार में सवार संबोधित करने के मूड में था, लेकिन अब क्या जनता से घर घर जाके वोट मांगे, क्या मेरी उम्र इस प्रकार की है। तो इनकी टिप्पणी से समझ में आता है कि पार्टी कहने के बैठे थे। दूसरा, अगर इस क्षेत्र का मुद्दा जिसे मैंने कहा कि सुशासन एक व्यवस्थित शासन जिसमें हम जनता को इधर उधर भटकना नहीं पड़े, किसी प्रकार के कामों में उनको उलझन नहीं हो, वो सब चीज़ें देखते हुए कानून व्यवस्था के साथ प्रशासनिक व्यवस्था के साथ शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार, इन 5 चीज़ों पर फोकस करते हुए कन्नौज खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं। दिक्कत जाती है, आज भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि भाजपा और कांग्रेस की तुलना हम करें तो आदिवासियों के विकास के लिए जो योजनाएँ बनाई गई वो कांग्रेस सरकार में जो बनाई गई उसको देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में अधिकतम आदिवासी सीटें लगभग 80% सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। तो ऐसे दृष्टिकोण में आज भी आदिवासी कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए प्रयत्नशील है, कांग्रेस के साथ ही जुड़कर काम करने की स्थिति में आगे आ रहा है। मध्य प्रदेश में पिछली बार जब चुनाव हुए थे तब भी जनता ने तो आपको ही चुना था, मतलब कांग्रेस की सरकार को चुना था, लेकिन जिस तरीके से वोटों की जो राजनीति हुई, जिस तरीके से नेता उस पद पे चले गए, उस साइड चले गए, तो कहा कि खरीद लिए गए। इस बार भी कई नेताओं में मनमुटाव देखा जा रहा है, टकराव की स्थिति गंभीर नजर आ रही है, अब कैसे साधेंगे जोशी जी?
सिंह जी, कांग्रेस पार्टी में एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता से लेकर नेताओं तक को मिलती है, कांग्रेस में कभी भी उनको बांधी हुई स्थिति में नहीं प्राप्ति है, लेकिन आज जो स्थिति कांग्रेस और भाजपा की तुलनात्मक रूप से देखें, कांग्रेस ने अपने 230 प्रत्याशी लगभग डिक्लेयर कर दिए एक सीट को छोड़कर, भाजपा आज भी 2-3 किस्तों में जैसे 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 कहते हैं ना, एक जिसके पास पूरा पैसा आता वो नकद खरीदता और दूसरा जो पार्टी जिसकी माली हालत ठीक नहीं हो तो किस्तों में अपने आप को चलाती, तो भाजपा किस्तों में काम करने वाली पार्टी हो गई और कांग्रेस संगठन इतना मजबूत है कि आज उसने अपने 230 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए, तो हमारे प्रत्याशी तो मैदान में उतरे हैं, तो आकलन की दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस आज बहुत मजबूत है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो सरकार बनने जा रही है उसमें मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश की एक नई विजन कल्पना जो कमलनाथ जी ने की है उसको हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। उनका कहना है कि जिस तरीके से कैलाश जी ने यहाँ पर लगातार कार्य किए तो वो उम्मीद करते हैं कि दीपक जोशी भी लगातार उनके साथ खड़े रहेंगे। तो एक बार फिर जोशी से बात करते हैं, सर युवा बहुत परेशान है, जिस तरीके से आपने देखा कि पटवारी ने जो घोटाला हुआ, मुझे कहने में कोई इस बात को शंका नहीं है, इस बात की निसंदेह साधना न्यूज इस बात को कहता है कि जिस तरीके से पटवारी में घोटाला हुआ और जो उसमें बच्चों को जो लाठियां पड़ी उससे बच्चे बहुत नाराज हैं और खास करके युवा लगातार बेरोजगार है, वो कह रहे हैं कोई भी सरकार आ जाए चली जाए हमारी बेरोजगारी खत्म नहीं होती, तो क्या आप आश्वस्त करते हैं कि युवा को रोजगार मिलेगा? मैंने कहा कि गांधी ने परिवार को लगातार घोसने वाली जनता पार्टी, नेहरू जी की कल्पना आप देखिए, देश की आज़ादी के बाद उन्होंने बड़े बड़े कल कारखाने लगाए जहाँ 40,000-50,000 लोगों को एक साथ रोजगार मिला, भिलाई स्टील प्लांट हुआ, BHEL का हैवी इलेक्ट्रिकल कारखाना हुआ, हरिद्वार में कारखाने हुए, विशाखापट्टनम का कारखाना, HMT की घड़ियाँ तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी, जमाने में HMT घड़ियाँ ब्लैक में मिला करती थी, हमारी बनने वाली जो संसाधन थे उनकी विदेशों में डिमांड थी, लेकिन BJP के आने के बाद खास करके जो केंद्र में सरकार आई आपने देखा किस प्रकार से निजीवाद को बढ़ावा दिया गया और निजीवाद को बढ़ावा देने के कारण आज हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और यहाँ तक कि बहुत सी चीज़ें को निजीकरण कर दिया गया, वो बेच दी गई, तो ऐसे दृष्टिकोण में रोजगार की जो संभावना है शासकीय तौर पर ईमानदारी से होती थी उसमें तो कमी आई, लेकिन दूसरी तरफ बहुत कम उसमें पैसों में बच्चों को रोजगार पर लगाया जाता जिससे उनकी ज़िंदगी खुशी से नहीं निकल पाती, तो ऐसे दृष्टिकोण में लाभ का अधिकतम हिस्सा जनता के बीच वितरित होना चाहिए, वो काम कांग्रेस पार्टी करना चाहती है और मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये जो हमारा क्षेत्र है देवास जिले का अंतिम छोर जहाँ पानी की बाहुल्यता है, यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की बाहुल्यता है, ऐसे दृष्टिकोण में क्या इस चीज़ पर आधारित कोई कल कारखाना यहाँ खोल दिया जाए ताकि हमारे बच्चों को इंदौर उज्जैन देवास जैसे शहरों में काम की तलाश के लिए भटकना ना पड़े, इसलिए भटकाव को रोकने के लिए शिक्षा और शिक्षा के साथ उनको रोजगार इससे जोड़ने की कोई महती योजना हम लोग कैंडिडेट करके काम करने का प्रयत्न करेंगे। दीपक जोशी जी ये बता रहे थे कि क्षेत्र की विडंबना है ये कि यहाँ पर कई बड़े तमाम नेता रहे, यहाँ पर सरकारें रही, BJP की सरकार लगातार यहाँ पर काम कर रही है, केंद्र में उनकी सरकार, प्रदेश में उनकी सरकार, लेकिन फिर भी खातेगांव विधानसभा हमेशा पिछड़ी नजर आई, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से दीपक जोशी जी का काफिला लगातार आगे बढ़ा, चूँकि कैलाश जी यहाँ से मुख्यमंत्री के पद पर भी काम कर चुके हैं, उनका लोगों से अपार स्नेह है, हम जोशी जी से और आगे बात करेंगे, लेकिन चूंकि आप हुजूम देख सकते हैं लोगों का किस तरीके से यहाँ पर लोगों का प्यार नजर आ रहा है जोशी जी के लिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ लगातार फोटो खिंचवाने के लिए, एक फोटो के लिए जोशी जी के साथ लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका हुजूम लगातार आगे बढ़ रहा है, चुनावी मैदान में है, वहाँ यात्राएं निकाल रहे ताकि उनकी समस्याओं को सुन सके और उनकी समस्याओं को जान सके। इस विधानसभा में रिकॉर्ड बहुमत से जीते हैं, रिकॉर्ड बना सारे कार्यकर्ता आम जनता उनके साथ, संतोष गुजर सरपंच बतासा, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष साधना सेठी भी मेरे साथ मौजूद, साधना जी आप लगातार कह रहे थे जोशी जी ही मेरे जोशी जी ही साथ रहेंगे, चूंकि आज आप इतनी दूर से भी आएंगे जोशी जी तो एक कर्मठ नेता ही रहे, उन्होंने शुरू से राजनीति देखी है, उनके पापा जोशी जी थे, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और अच्छे कार्य की वजह से तो उनको टिकट मिला है,
ऐसे इतनी जल्दी किसी को टिकट मिलता है? महिला जोशी जी के साथ खड़ी हो? बिल्कुल खड़ी, सारी महिला हम लोग जी जान से, मैं भारतीय मानव अधिकार सरकार सदस्य के अध्यक्ष हूँ, उज्जैन संभाग के सारे लोग मेरे साथ है और मैं वादा करती हूँ कि जोशी जी को हम बहुत भारी मतों से जिताएंगे, ये शारदा सेठी का वादा है। मेरे पीछे नजर आ रहा है आम जनता मेरे साथ है, हम सीधे जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका विधायक कैसा होना चाहिए, एक विधायक की भूमिका क्या होना चाहिए, क्या नजर आ रहा है क्या राजनीति? राजनीति इस क्षेत्र में लग रही है कि इस बार कांग्रेस का माहौल बहुत ही जबरदस्त है और कांग्रेस यहाँ बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है और जो भाजपा के जो अभी 10 साल वैसे देंगे 25 साल से विधायक हैं, लेकिन अभी जो आशीष शर्मा के कार्यकाल में 10 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, शायद मेरे ख्याल से अभी तक इतना भ्रष्टाचार किसी भी प्रतिनिधि के। क्या लग रहा है आपको, क्या नजर? कांग्रेस जीतेगी, अच्छे बहुमत से जीतेगी, टोटल लोग परेशान है, किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, तो कांग्रेस जीतेगी। मुकेश पटेल कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, इस बार खाते गांव के भैया दीपक भैया है। और जोशी जी के नेतृत्व में अब आगे अगर सरकार बनती तो आपको लगता है कि कैसा होगा यहाँ का माहौल? मैं बताता हूँ, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, मैं किसान वर्ग से आता हूँ, किसान इतना परेशान है, मेन तो गेहूँ जब किसान के पास आया था तो गेहूँ 200 रुपए में सरकार ने ले लिया, आज 3200 भाव हो गया, आज सोयाबीन की मेन फसल है, सरकार ने देश से विदेश से तेल वेल बुला के आज सोयाबीन की लागत ढूंढने निकल रहा, सूखा पड़ने फैलने लाइट पड़ने के बाद। आपका नेता कैसा होना चाहिए? कमलनाथ जैसा, कमलनाथ जैसा होना चाहिए। और खाते गाँव में दीपक भैया, दीपक भैया जैसा होना चाहिए, दीपक भैया जैसे नेता चाहिए आपको लगता है?